बहुत किस्मत मुकद्दर वाले हैं जो मक्के शरीफ में रह रहे हैं, मदीना शरीफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सरजमीन में रह रहे हैं। माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, जिसमें से आज 50 जो बंदे हैं हज्जाज इकराम, जो कि आज माशा अल्लाह सफ़र पे हैं, मक्का को अलविदा कह रहे हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो लास्ट सफ़र है यहाँ बस के अंदर कैसा है और कैसी फीलिंग है इनकी मक्का को छोड़ने की। जी कैसे हैं आप? खैरियत? जा रहे हैं मक्का शरीफ को छोड़ के? आंटी जी तो बोलते हैं आप आंटी, आप थोड़ा बोल दीजिए। मक्का शरीफ को छोड़ के जा रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? अरे साहब बहुत बुरा लग रहा है, वो तो दुनियावी हिसाब से जाना पड़ेगा अपने को इंडिया में, अपने घर द्वार बाल बच्चों से मिलने। हाँ अपना बस चले तो अपन कभी जा ही नहीं। हाँ तो बहुत किस्मत मुकद्दर वाले हैं जो मक्के शरीफ में रह रहे हैं, मदीना शरीफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सर जमीन में रह रहे हैं। बहुत मुकद्दर किस्मत वाले हैं हम लोग। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो फिर रमजान शरीफ में आने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम भी अब्बा कलाम से हज बदल भी करने आना है हमको। अल्लाह पाक से आपकी दुआ करो कि जल्दी जल्दी आए। आप पूछो ना। अच्छा मैं पूछ तो, कैसा लग रहा है अभी इस वक्त आप जा रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है कि हम यहीं रहते तो अच्छा लगता थोड़े दिन और। इंशाल्लाह और क्या, सही बात है। और आंटी जी कैसे हैं आप? खैरियत? माशाल्लाह सही सलामत पहुँच गए। भाईजान कुछ कह दीजिए। दो लफ्ज कैसा रहा सफर? बहुत जबरदस्त। कैसी इबादत है? कैसे रहना वहना इंतजाम? इबादत इबादत जितना हो सकता था उतनी तो नहीं कर पाए, क्योंकि अल्लाह कबूल कर ले इससे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। जितना हो सका अपन से जैसा हो सका करा अपन, और यही है ज़िंदगी में कि अब जो अपन ने यहाँ करा वो आगे वाली ज़िंदगी में भी इसको कंटिन्यू रखना है। यहाँ आने का मकसद यही है यहाँ के, यहाँ से अपन और सुधर के जाएँ कि आगे वाली जिंदगी में भी हमको ऐसे ही अल्लाह पाक सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बनाए। और हमको यहाँ जो बुलाया सबको अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाए, सबकी दुआएं कबूल फरमाए। मुसलमानों को जितना हो सके हिदायत दे और हिकमत के रास्ते पे चलने वाला बनाए। बहुत अच्छी बातें कही आप। आंटी जी कैसा गुजर है सफर? जा रहे हैं मक्का शरीफ को छोड़ कर, कैसा लग रहा है अभी इस वक्त? अल्लाह ताला आसान करे, अल्लाह ताला आपकी इबादतें कबूल करे, इंशाल्लाह आपकी हर बार हाजिरी हो यहाँ पर। इस बार उमरा पर आए, अल्लाह ताला से दुआ है कि नेक्स्ट टाइम हज पर आए। कहना चाहिए कुछ? आंटी जी आप अल्लाह शुक्र है बहुत अच्छे से इबादत हुआ, और अल्लाह हमको इस दर्ज में बार बार हाजिरी की नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। और हर मुसलमान भाई को इस दर पे बुलाए। आमीन माशाल्लाह। जाने का तो दिल नहीं करता लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, क्या करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर बार बुलाए, हर बार बुलाए। आप बताए कुछ दो लफ्ज, कैसा लग रहा है अभी जा रहे हो यहाँ मक्का छोड़ के? अच्छा भी लग रहा है, अच्छा नहीं भी लग रहा है। इबादत है अल्लाह आपकी कबूल करे। जी जी आमीन जी। और कुछ दिल में यानी कैसा फील हो रहा है कि यार जा रहा हूं मक्का छोड़ के? एक अंदरूनी बात होती है ना, वो स्पेसिफिक रीजन से मतलब वहां भी जाना जरूरी है और ये और यहां यहां भी अफसोस सा भी है। हां कि महसूस हो रहा है कि इतने अच्छे सफर पे जल्दी वक्त कट गया, ऐसा कुछ फील हो रहा है। हां ऐसा लग रहा है और रुक जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिल लिए कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जी, मक्का छोड़ने का दिल तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, मगर क्या करें कि अब आते हैं यहाँ पर और तो जाना भी पड़ता है, रुक तो सकते नहीं है। बहुत मतलब तकलीफ हो रही है यहाँ से जाने में, और टूर जो हम जिससे आए थे माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर था, और सभी प्रकार की सुविधाएँ, ज़ियारत की सुविधाएँ, खाने की सुविधाएँ, रुकने की सुविधाएँ माशाल्लाह बहुत अच्छी रही यहाँ पर। अल्लाह पाक आपके टूर को और
बढ़ाए और लोग आपके टूरों में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और आप जो खिदमत कर रहे हैं आदिल भाई, न्याजू भाई, इमरान भाई वगैरह, इन सबको भी अल्लाह पाक हर मुसीबत से बचाए, परेशानी से बचाए। आप लोगों को उम्र दराजी दे, आपके घर वालों को उम्र दराजी दे, सबको मौला अच्छा से रखे। और हम ये दुआ करते हैं कि हम जल्द से जल्द सभी लोग यहाँ पर दोबारा मदीने शरीफ, मक्के शरीफ दोबारा हज में और उम्र में आए। शुक्रिया। बहुत बहुत जल्दी दिन गुजर गए, बहुत जल्दी चला गया। पाक सर जमी को छोड़ करके जा रहे हैं, थोड़ा अफसोस हो रहा है। क्या बोलते भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। मतलब जाते वक्त तो इच्छा नहीं हो रही जाने की, बयान नहीं कर सकते। अल्फाज नहीं है, नहीं है, माशाल्लाह। आप लोगों की सर्विस बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे हैं, न्याजू भाई अच्छे, इमरान भाई अच्छे, कोई चीज़ की कोई तकलीफ नहीं। और अल्लाह पाक मेरे भाई लोगों को, अमरीन भाई और गोलू भाई को बहुत अच्छा रखे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा सब कुछ, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। जा रहे, अलविदा हो रहे हैं आप? जी हाँ, हम बड़े अफसरदा दिल से जो है विदाई ले रहे हैं मक्के शरीफ से, और जाने को दिल तो नहीं करता जी। मगर कठिनाइयाँ ऐसी है कि हम यहाँ रह भी नहीं सकते, और बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया आप लोगों ने जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खाने से लेकर होटल्स तक अच्छे प्रोवाइड किए, सब लोग काफ़ी खुश हैं माशाल्लाह, और सबकी जियारत से लेकर जो है तवाफ़े हरम वगैरह हर चीज़ अच्छे से करवाई, अच्छे से हुआ, और अल्लाह इसकी जजाय खैर दे आप लोगों को। और अभी हम रास्ते में हैं, जद्दा एयरपोर्ट जा रहे हैं, कुछ देर में जद्दा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर इंशाल्लाह वहां से शारजा के लिए हमारा फ्लाइट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सुनाइए आदिल भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सफर था, पहली बार आए, बहुत अच्छा सफर। कबूल करे आप जी, आए और आपकी इबादत है, जरूर हर बार आने की दुआ कीजिए आप जी। जी जी जरूर, नदीम भाई के साथ आएंगे तो माशाल्लाह हमको बहुत अच्छा लगे हैं, क्योंकि नजीम भाई ने हमारा बहुत कुछ यहाँ पे ख्याल रखा है, और नजीम भाई की वजह से हमारा उम्रा मुकम्मल हुआ माशाल्लाह। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। जनाब कैसे हैं? माशाल्लाह तबारकअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आप सफर से अलविदा ले रहे हैं मक्का के, सही सलामत आप पहुंचे यहाँ से, इंडिया तशरीफ ले जाए, और यहाँ पर जितनी भी आपने इबादतें की, अल्लाह ताला तमाम इबादतों को कबूल करे और अल्लाह ताला आपकी हर साल यहाँ पर हाजिरी करे जी। माशाल्लाह, जा रहे हैं अभी आप इंडिया, कैसा लग रहा है अभी आपको इस वक्त? मक्का छोड़ने का दिल कर रहा है आप? सहरीन भाई, सहरीन भाई जा रहे हैं इंडिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया जा रहे हैं भाई। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, बहुत बहुत सारी खिदमत अदा करी हमारे पे, बहुत सुकून आराम सब कुछ अच्छा हुआ माशाल्लाह। पूरे हमारे जितने भी 50-51 हाजी है माशाल्लाह, सब के अरकाने ज़ारते सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुई आपके ग्रुप से जी। माशाल्लाह ताला आपके ग्रुप में और तरक्की अता फरमाए, और इस बार 50 हाजी थे, इंशाल्लाह अगले बार 500 हाजी लेकर आए आप इंशाल्लाह। माशाल्लाह तबारकअल्लाह। आंटी जी, अंकल जी जा रहे हैं आप इंडिया, कैसा लग रहा है? माइक में बोलिए थोड़ा, कैसे आंटी आप बोलिए, आप बोलिए आप। अरे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, भूख लगा। आप बताइए कैसा लग रहा है, जा रहे हैं अभी आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और दुख भी हो रहा है मक्का शरीफ छोड़कर, खास ऐसी जगह छोड़ के जाना बोलो तो तकलीफ जैसे भी हो रहा है, दुख हो रहा है बहुत, इतने
मुकद्दस जगह को छोड़कर हम जा रहे हैं और दुआ यह है कि अल्लाह ताला और दोबारा यहाँ आने की हाजिरी नसीब दे, बस यही उम्मीद है। बाकी तो वगैरह तो सब ठीक ठाक, बाकी सब इंतजाम सब सही। शुक्रिया जी। जनाब कैसे हैं आप, खैरियत? माशाल्लाह, जा रहे हैं आप पाक सफर से, अलविदा ले रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की इबादत कबूल करे यहाँ पर जो आए हुए हैं, क्योंकि आप लोग जो नियत करके निकले हैं घर से और एक एक कदम उठाए ना, वहीं से आप लोगों की इबादत लिखी जा रही है। जिस टाइम आपने नियत कर लिया कि चलिए हम निकलते हैं आप पाक सफर पर, वहीं से एक एक कदम का बदला लिखा जा रहा है। अल्लाह ताला तमाम इबादतें कबूल करे और हर बार आप लोगों की हाजिरी हो, अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सफर था, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया हम लोगों को, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई और आप लोग अपनी जो सर्विस है या हम लोगों का जो ख्याल रखते हैं इसी तरह का हमेशा रखिए। बस लाख लाख शुक्र है अंकल जी। जानने की कोशिश क्या बोले, कहना चाह रहे हैं कि माशाल्लाह मक्के के सफर पे हैं आप, इतने पाक सफर पे, तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पर 15 दिन जो है गुजर चुका है। अल्लाह ताला आपकी इबादतें कबूल करे, जानने की बस कोशिश करेंगे कि कैसा सफ़र रहा, कैसा इंतज़ाम रहा यहाँ पर, और इस बार इंशाल्लाह आप उमरा पर आए हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हज पर बुलाए। सही कहा हमारे भाई ने कि यहाँ पर जो इबादत करे हैं अल्लाह ताला आगे भी आप लोगों को ऐसी ही इबादत करने का मौका दे और सही खरे कदम उतरे, यानी कि जैसे यहाँ पर हमने इबादत कर ली फिर वहाँ पर जाके सब भूल गए, ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह से दुआ करेंगे कि ऐसा ही सफ़र चलता रहे। कुछ कहिए आप इंशाल्लाह। तमाम जितने भी उमरा करने वाले हजरात, ख्वातीन, बच्चे, लड़के जो अपने अपने वतन से मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा पहुँचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, जो ये नियत करके उमरे के आए थे ये सब का उमरा तू कबूल फरमा, क्योंकि ये जो सफ़र उमरे का जो सफ़र है, जो मदीने का सफ़र था, जब मक्का हम लोग आए तो उस वक्त हमें बहुत एहसास हुआ कि बहुत तवील सफ़र से हम पहुंच रहे हैं। दिन भर तो हमारी सफ़र में भूखे प्यासे रहे, फिर रात के आए 5 बजे, हमें पूरा हमारा उमरा हुआ, रात भी ऐसी गई, दिन भी ऐसी गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो पहला हमारा उमरा हुआ बहुत तकलीफ़ के साथ, अल्लाह उसको तेरी बारगाह इलाही में कबूल फरमा। और जितने भी यहाँ पर लोग जो खालिस उमरे की नियत से आए थे, अल्लाह तुम सबका उमरा कबूल फरमा। और जब हम मक्का मुकर्रमा पहुँचे और काबे का तवाफ़ किया, ऐ बारगाह ताला, हमने काबे का तवाफ़ किया लेकिन हम तो कमज़ोर लागीर परेशान हाल तेरे दर पर तशरीफ़ लाए, तूने हमारी गैबी मदद किया। हमारे साथ ख्वातीन थी जो बूढ़ी भी थी और पैरों की तकलीफ दे थी और कुछ जो पैरों के मरीज थे, लेकिन तूने ऐसी कुव्वत अता की है मेरे रब, क्या सब ने इस तरह का तवाफ़ किया, इस तरह का एक नहीं दो नहीं तीन तीन तवाफ़ किए और सफ़ा मरवा की सही भी उसी ताकत और कुव्वत के साथ में किए, तेरी गैबी मदद हमारे साथ में शामिल थी। ऐ रब्बुल आलमीन इन सब के तवाफ़ ही कबूल फरमा और सफ़ा मरवा में जो इन्होंने दौड़ लगाई और जो हरे झंडों वहाँ में जो दौड़ लगाई और जितने भी 7 चक्कर लगाया, ऐ रब्बुल इज़्ज़त हम यही चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ आए सबका उमरा तवाफ़ सब कबूल फरमा। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन माशाल्लाह तबारकल्लाह। जितनी भी बात आप कहें अल्लाह ताला तमाम बातें वो कबूल करे, आमीन। बहुत सारी दुआएं की आपने अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ से तो रास्ता ही बंद है तो मैं वहाँ पे आ जाता हूँ आप लोग के पास। भाऊ तुम इकड़े पूरे या पूरे पार्टी मागे बसले है समर है हमसे करे या काई तरी सांग है। कितनी अच्छी बात है, अल्लाह पाक का एहसान करीम कि उसने अपने घर और अपने महबूब के घर की ज्यारत कराई। सबसे बड़ी बात कि अपने अम्मी और अपनी वाइफ और अपने भाई के साथ में आना नसीब हुआ और अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार उम्रे के अलावा हज भी सबको नसीब फरमाए
हमारे साथ के जितने भी ग्रुप के लोग हैं अल्लाह ताला सबको हज और उमरा दोनों नसीब फरमाए। परवरदिगार से यही दुआ है हर किसी को अल्लाह ताला एक बार अपने घर की अपने महबूब के घर की ज़ियारत कराए और हम लोगों ने जो इबादत की है सबको कबूल करे परवरदिगार। और यहाँ से जाने के बाद भी हमारे में इबादत का वही जज्बा हमेशा कायम रहे, बस यही दुआ है परवरदिगार से। आपके मैनेजमेंट के बारे में बताना भूल गया था मैं, आपका मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त रहा, खासतौर से आप लोगों की जो खिदमत करी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग तीनों जो भाई हैं अकबर भाई आप वो जो भी आपके साथी हैं कारगुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैनेजमेंट करा उन्होंने। चार चीज़ें मेन होती हैं कोई भी चीज़ में सफ़र में, मेन होता है आपका होटल खाना, वो जितना भी करीब होगा कोई भी चीज़ वो जितना भी आपका जो हरम से चाहे वो मदीना हो चाहे आपका ये आपका कावा हो होटल का आपका सबसे करीब था, आसानी इजी टू यूज़ था, खाना बहुत अच्छा था, वॉशरूम अच्छे थे, हर चीज़ अच्छी थी, मतलब जितनी तारीफ करी कम करी जाए उतनी ही कम है, मतलब बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को सजाए खेर दे और आप लोगों को ऐसे ही खिदमत करने का और मौका दे, मुझे यही कहना था, मैं भूल गया था आपको उसके बारे में कहना मैनेजमेंट के बारे में, बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख सकते हैं जो भी फीडबैक आपने देखा ऑन कैमरा, हमने जेन्युइन जो फीडबैक है वो आप लोगों के साथ में शेयर किया। डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइज अपकमिंग ग्रुप का लिस्ट है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच डिस्क्रिप्शन ऑल्सो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मा सलामा, बाय गाइज।